चारों खत्म तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। महात्मा भीष्म प्रसिद्ध कुरुवंशी महाराज शांतनु के पुत्र थे। ये गंगा देवी से उत्पन्न हुए थे। वसु नामक देवताओं में धौ नाम के नवम वसु ही महर्षि वशिष्ठ के साथ से भीष्म के रूप में अवतीर्ण हुए थे। इन्होंने कुमारावस्था में ही शंगोपांग वेदों का अध्ययन तथा अस्त्रों का अभ्यास कर लिया था। अस्त्रों का अभ्यास करते हुए इन्होंने एक बार अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा को ही रोक दिया था। इन्हें बचपन में लोग देवव्रत कहते थे। एक दिन राजर्षि शांतनु वन में विचर रहे थे। उनकी दृष्टि एक सुंदर कैवर्त राज की कन्या पर पड़ी, जिसका नाम सत्यवती था और उस पर वे आसक्त हो गए। उन्होंने उससे विवाह करना चाहा। सत्यवती तो एक राजकन्या, किंतु वह कैवर्त राज के घर पली थी। उसके पिता कैवर्त राज ने उसके विवाह के लिए राजा के सामने यह शर्त रखी कि उसके गर्भ से जो पुत्र हो वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। राजा ने उसकी यह शर्त नहीं मानी, परंतु वे उस कन्या को भी भुला न सके। वे उसी को पाने की चिंता में उदास रहने लगे। देवव्रत को जब उनकी उदासी का कारण ज्ञात हुआ तो वे स्वयं कैवर्त राज के पास गए और उससे स्वयं अपने पिता के लिए कन्या की याचना की। उन्होंने उसकी शर्त मंजूर करते हुए सबके सामने यह प्रतिज्ञा की कि इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही हमारा राजा होगा। परंतु कैवर्त राज को इतने पर भी संतोष नहीं हुआ। उसने सोचा कि देवव्रत का वचन तो कभी अन्यथा नहीं होने, परंतु इनका पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी हो सकता। बुद्धिमान देवव्रत उसका अभिप्राय समझ गए। उन्होंने उसी समय एक दूसरी कठिन प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। कुमार देवव्रत की इस भीष्म प्रतिज्ञा को सुनकर देवताओं ने पुष्प वर्षा की और तभी से उन्हें लोग भीष्म कहने लगे।
भीष्म ने सत्यवती को ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया। भीष्म का यह दुष्कर कार्य सुनकर राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इस प्रकार भीष्म ने जीवन के प्रारंभ में ही पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए संसार के सामने अलौकिक त्याग का आदर्श स्थापित किया, जिस राज्य के लिए उनसे दो ही पीढ़ी बाद उन्हीं के बेटों पोतों में तथा उन्हीं की मौजूदगी में भीषण संहारकारी महायुद्ध हुआ। उसी राज्य को उन्होंने बात की बात में अपने पिता की एक मामूली सी इच्छा पर न्यौछावर कर दिया। जिन कामनी कंचन के लिए संसार के इतिहास में न जाने कितनी बार खून खराबा हुआ है और राज्य के राज्य ध्वस्त हो गए, उनका सदा के लिए तृणवत परित्याग कर उन्होंने एक विरक्त महात्मा सा आचरण किया। धन्य है पितृभक्ति। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु के दो पुत्र हुए। बड़े का नाम था चित्रांगद और छोटे का नाम था विचित्रवीर। अभी चित्रांगद जवान नहीं हो पाए थे कि राजा शांतनु इसी लोक से चल बसे। चित्रांगद राजा हुए, परंतु वे कुछ दिन बाद गंधर्वों के साथ युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर भी अभी बालक ही थे, अतः वे भीष्म की देखरेख में राज्य का शासन करने लगे। कुछ दिन बाद भीष्म को विचित्रवीर के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशी नरेश की तीन कन्याओं का स्वयंवर होने जा रहा था। भीष्म अकेले ही रथ पर सवार हो काशी पहुंचे। इन्होंने अपने भाई के लिए बलपूर्वक कन्याओं को हर कर अपने रथ पर बिठा लिया और उन्हें हसितनापुर ले चले। इस पर स्वयंवर के लिए एकत्र हुए सभी राजा लोग इन पर टूट पड़े, परंतु उनकी एक भी न चली। इन्होंने अकेले ही सबको परास्त कर दिया और कन्याओं को लाकर विचित्रवीर के सुपुर्द कर दिया। उस समय संसार को इनके अलौकिक पराक्रम तथा अस्त्र कौशल का प्रथम बार परिचय मिला। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो भीष्म पितामह हैं, यह अपने पिता के लिए भीषण प्रतिज्ञा करते हैं। यहाँ तक कि अपने भाई के लिए, विचित्र वीर के लिए, उसके विवाह के लिए सुयोग्य कन्याओं की भी खोज करते हैं। और काशी नरेश के यहाँ जब उनकी तीन कन्याओं का स्वयंवर था, तब यह उन कन्याओं का अपहरण कर लेते और विचित्रवीर का उनसे विवाह करते।
दो फते विचित्र वीर विवाह कर लेते हैं, लेकिन एक जो रहती है उससे विवाह नहीं करते हैं। तो आगे कथा अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।